दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है, और कई बार ऐसा होता है कि जो बिजली बिल होता है जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो फिर आपको एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आपको बिजली बिल देना होता है, और कई बार यह होता है कि बिजली बिल आपके नाम नहीं होता है तो यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत होती है। जी हाँ, कई बार जब बिजली बिल आपके नाम से नहीं होता है, आपने कहीं रेंट पर लेकर दुकान लिया हुआ है और आप अपने दुकान के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिजली बिल जो है वह लैंडलॉर्ड के नाम होता है, तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेल के माध्यम से सवाल पूछा था कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें रेंट एग्रीमेंट बनाने का झंझट ही नहीं हो, तो क्या ऐसा संभव है? तो इसका जवाब है बिल्कुल संभव है। अगर बिजली बिल आपके नाम से नहीं है, इसके बावजूद भी आप बिना रेंट एग्रीमेंट बनवाए भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आखिर वह कौन सा रास्ता है? दोस्तों अगर बिजली बिल किसी और के नाम से है तो फिर यहाँ पर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं भी बनवा सकते हैं, लेकिन जीएसटी नंबर लेने के लिए रेंट एग्रीमेंट कोई मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट के बदले कंसेंट लेटर भी दे सकते हैं। जी हाँ, आप एक स्टाम्प पेपर पर एक कंसेंट भी जिनके नाम से बिजली बिल है उनसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कंसेंट में क्या लिखेंगे। उस कंसेंट लेटर में जिनके नाम से बिजली बिल है वो यही लिखेंगे कि मैं फलाने व्यक्ति को यह अपना एड्रेस, अपना यह जगह बिजनेस करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, परमिट कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर वो इतना लिख कर स्टाम्प पेपर पर, आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखने का नियम है उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर अगर साइन कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनवाने का ज़रूरत भी नहीं है, फिर आपको आसानी से जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब कई लोग यह भी पूछते हैं कि जीएसटी नंबर लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। दोस्तों अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब होता है कि आप अकेले अपने बिजनेस के मालिक हैं, तो फिर यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिर बिजली बिल, और अगर बिजली बिल आपके नाम से नहीं है तो फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर जो मैंने अभी बताया आप वह दे सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो अगर इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो फिर आपको जीएसटी नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में और भी जीएसटी से संबंधित कोई और सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।